Hello and welcome to the Mining Academy. Today we are going to talk about surface mining methods. Before that, please subscribe this channel and hit the bell icon to get the further notification. Let's start. What is mining? Mining क्या है? किसी भी मिनरल या ओर को अर्थ से निकालने के लिए हमें माइनिंग की ज़रूरत होती है। माइनिंग दो टाइप की होती है, पहली अंडरग्राउंड माइनिंग, दूसरी सरफेस माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग, जब मिनरल या ओर हाई डेप्थ पर पाया जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस माइनिंग मेथड का यूज करते हैं वह अंडरग्राउंड कहलाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं किया जाता है। दूसरी है सरफेस माइनिंग, जब मिनरल या ओर शैलो डेप्थ या कम डेप्थ पर पाया जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस माइनिंग मेथड का यूज करते हैं वह सरफेस माइनिंग कहलाती है। सरफेस माइनिंग हमेशा ओपन एटमॉस्फेयर में की जाती है। बात करते हैं इसकी डेप्थ की, तो इंडिया में पहले 90 मीटर तक की डेप्थ को लिमिटिंग डेप्थ कंसीडर करते थे, बट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के साथ साथ यह डेप्थ अब 300 मीटर तक की हो गई है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है झारिया कोलफील्ड, जो कि 480 मीटर डेप्थ पर प्रोजेक्टेड है। हम इस वीडियो में सरफेस माइनिंग को कवर करने वाले हैं, तो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सरफेस माइनिंग ब्रॉडली टू मेथड्स में क्लासिफाइड होता है, पहला मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। आगे इन्हीं दोनों मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। बात करते हैं मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड की। यह सरफेस माइनिंग की फर्स्ट मेथड है। इस मेथड में किसी भी मिनरल या ओर का एक्सट्रैक्शन मैकेनिकल कॉन्ट्रोवेंस से किया जाता है। अगर सरफेस माइनिंग की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में सरफेस माइनिंग के इस मेथड से लगभग 90% प्रोडक्शन होता है और बाकी 10% एक्वस एक्सट्रैक्शन से किया जाता है। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, पहली ओपन पिट माइनिंग, दूसरी ओपन कास्ट माइनिंग, तीसरी क्वेरिंग एंड चौथी अगर माइनिंग। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग एक ऐसी माइनिंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी नियर सरफेस डिपॉजिट को एक लॉन्ग सरफेस पिट के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह लॉन्ग पिट एक डीप होल होता है जो डायरेक्ट ओर या मिनरल डिपॉजिट को एक्सपोज करता है। इस मेथड में एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल बेंचेस का यूज करके ओर या मिनरल को निकाला जाता है। इस मेथड का यूज तब करते हैं जब ओर या मिनरल डिपॉजिट कम डेप्थ पर हो और कम से कम ओवरबर्डन निकालना पड़े। यह मेथड मेनली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कोल और अदर बेडेड डिपॉजिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड में ओबी को बेस ड्रम तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही साथ इसमें ओबी को हटाने और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ही इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड की सेकेंड मेथड है ओपन कास्ट माइनिंग, इसे स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। यह मेथड मेनली कोल एंड अदर बेडेड डिपॉजिट के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। इस मेथड का यूज तब करते हैं जब मिनरल या ओर डिपॉजिट ओपन पिट माइनिंग के कंपैरिजन हाई डेप्थ पर हो। ओपन कास्ट माइनिंग सेम ओपन पिट माइनिंग जैसे ही दिखती है, या हम यह कह सकते हैं कि यह ओपन पिट माइनिंग का ही बड़ा फॉर्म है। ओपन कास्ट माइनिंग में ओबी को बेस डंप में ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसे कास्टिंग के थ्रू पहले से बने माइंड आउट पैनल में भर दिया जाता है। साथ ही साथ ओपन कास्ट माइन में ओबी को हटाने तथा मिनरल या ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ओपन कास्ट माइनिंग को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, पहला कंटूर स्ट्रिप माइनिंग, दूसरा एरिया स्ट्रिप माइनिंग। कंटूर स्ट्रिप माइनिंग, कंटूर स्ट्रिप माइनिंग का यूज हिली या माउंटेन एरिया में करते हैं। एरिया स्ट्रिप माइनिंग, एरिया स्ट्रिप माइनिंग का यूज फ्लैट सीम्स से डिपॉजिट के एक्सट्रैक्शन करने के लिए किया जाता है। यह मेथड लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करती है, इसलिए इसे एरिया स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड की थर्ड मेथड है क्वेरिंग। इस मेथड का यूज डायमेंशन स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। डायमेंशन स्टोन्स जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एटसेट्रा। यह मेथड काफ़ी कॉस्टली होती है क्योंकि डायमेंशन स्टोन्स के लार्ज ब्लॉक को निकालने के लिए नॉर्मली एक्सप्लोजिव का यूज नहीं करते हैं।
मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड की फोर्थ एंड लास्ट मेथड है ऑगर माइनिंग। यह एक ऐसी माइनिंग प्रोसेस है जिसमें जब ओपन कास्ट माइन ब्रेक इवन स्टेपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तब मिनरल या ओर का एक्सट्रैक्शन हाई वॉल से किया जाता है। BESR या ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रॉफिट जीरो होता है और यही ओपन कास्ट की अल्टीमेट पिट लिमिट होती है। ऑगर माइनिंग दो कैटेगरीज में सब क्लासिफाइड है, पहला बाय ऑगरिंग इक्विपमेंट्स, दूसरा बाय हाई वॉल माइनिंग। बाय ऑगरिंग इक्विपमेंट्स यह ऑगर माइनिंग की सबसे पहली या ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड में ड्रैग बिट ड्रिलिंग हेड्स जो कि 0.6 टू 2.4 मीटर डाया में होता है उसे 60 टू 90 मीटर तक हाई वॉल में प्लेस करते हैं और डिपॉजिट को बाहर निकालते हैं। जरूरत पड़ने पर मल्टीपल ड्रैग बिट ड्रिलिंग हेड्स का यूज कर सकते हैं। बाई हाई वॉल माइनिंग ऑफनली ऑगर माइनिंग को हाई वॉल माइनिंग कहते हैं। इस मेथड में सरफेस CM के द्वारा हाई वॉल में पैरेलल एंट्रीज बनाकर मिनरल या ओर डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ सरफेस माइनिंग की मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड खत्म होती है। अब बात करते हैं सरफेस माइनिंग की दूसरी मेथड जो कि एक्वियस एक्सट्रैक्शन मेथड है। एक्वियस एक्सट्रैक्शन मेथड यह सरफेस माइनिंग की दूसरी मेथड है। इस मेथड में किसी भी ओर या मिनरल एक्सट्रैक्शन वाटर पर डिपेंड करता है। लगभग सरफेस माइनिंग का 10% प्रोडक्शन इस मेथड से होता है। एक्वियस एक्सट्रैक्शन मेथड मेनली टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, पहला प्लेसर माइनिंग, दूसरा सॉल्यूशन माइनिंग। फर्स्ट प्लेसर माइनिंग, इस मेथड में प्लेसर डिपॉजिट्स का एक्सट्रैक्शन वाटर का यूज करके किया जाता है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स ऐसे लूज मिनरल या ओर का कंसंट्रेशन होते हैं जिनका वाटर के एक्शन के कारण रीडिपोजिशन हुआ हो। एग्जांपल गोल्ड, टिन, प्लैटिनम, डायमंड, रूबी, ओपल, एलेमनाइट, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, फॉस्फेट, सैंड एंड ग्रेवल। प्लेसर माइनिंग टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, पहला हाइड्रोलिकिंग, दूसरा ड्रेडजिंग। बात करते हैं हाइड्रोलिकिंग की। इस मेथड में प्रेशर डिपॉजिट का एक्सट्रैक्शन हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम से होता है। इस मेथड में मटेरियल का एक्सकवेशन और मटेरियल हैंडलिंग दोनों हाइड्रोलिकली ही होता है। साथ ही साथ इसमें पहले से ब्लास्टिंग या ब्रेकेज की जरूरत नहीं होती है, सभी चीज वाटर के हेल्प से होता है। इस मेथड में रिक्लेमेशन प्रोडक्शन साइकिल में ही इंक्लूड रहता है। दूसरी है ड्रेडजिंग। ड्रेडजिंग मेथड का यूज वाटर के अंदर के प्रेशर डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में एक फ्लोटिंग वेसल होता है जिसे ड्रेज कहते हैं। यह फ्लोटिंग ड्रेज पॉन्ड, लेक, रिवर एटसेट्रा के ऊपर फ्लोट करके प्रेशर डिपॉजिट को निकालता है। ड्रेजिंग मेथड टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, पहली शैलो वाटर मेथड्स जो कि कम डेप्थ के प्रेशर डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं, दूसरी है डीप सी मरीन माइनिंग मेथड्स। नाउ शैलो वाटर मेथड्स अगेन ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, पहला मैकेनिकल ड्रेज, दूसरा हाइड्रोलिक ड्रेज या सक्शन ड्रेज। पहला मैकेनिकल ड्रेज, इस मेथड में प्रेशर डिपॉजिट का एक्सकवेशन यानी उसको निकालना तथा उसको ट्रांसपोर्ट करना दोनों मैकेनिकली होता है और इसकी एक मेथड है बकेट लाइन ड्रेज। दूसरा हाइड्रोलिक ड्रेज, इस मेथड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक ड्रेज की दो मेथड है, पहली कटर हेड सक्शन ड्रेज, दूसरी है कटर व्हील सक्शन ड्रेज। नाउ एक्वियस एक्सट्रैक्शन मेथड की दूसरी मेथड है सॉल्यूशन माइनिंग। यह मेथड कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल अलग मेथड है। इसमें मिनरल या ओर का एक्सट्रैक्शन लीचिंग, डिसोल्यूशन, मेल्टिंग और स्लरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। यह मेथड मेनली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम, सॉल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर एंड लिथियम के लिए यूज होती है। इसे तीन अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट बोरहोल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, सेकंड लीचिंग मेथड, थर्ड इवेपोराइट इवेपोरेटिव प्रोसीजर। बोरहोल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, सॉल्यूशन माइनिंग के इस मेथड में अर्थ के मटेरियल को एक्सेस करने के लिए बेल्स यानी कुआं का यूज करते हैं। ऐसी मेथड को बोरहोल माइनिंग या बोरहोल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इन बोरहोल्स या वेल्स का उपयोग वाटर या लिक्विफाइएंट को मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचाने के लिए किया जाता है जिससे मिनरल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए। लिक्सीबेंट क्या होता है? लिक्सीबेंट एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके द्वारा मेटल को ओर से अलग किया जाता है। सॉल्यूशन माइनिंग की दूसरी मेथड है लीचिंग मेथड। लीचिंग एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें माइंड आउट मटेरियल या डिपॉजिट से मेटल्स या मिनरल्स को लिक्विड के द्वारा अलग किया जाता है। लीचिंग के दो टाइप है, परकोलेशन लीचिंग एंड फ्लडेड लीचिंग।
सॉल्यूशन माइनिंग की थर्ड एंड लास्ट मेथड है एवोपोराइट या एवोपोरेशन ऑपरेशंस। इस मेथड में एवोपोरेशन के द्वारा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे रॉक्स या मिनरल्स सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में आते हैं। इस मेथड में एवोपोरेशन के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स हैलाइट जिसे NaCl भी कहते हैं, पोटास एंड ट्रोना। ट्रोना एक नॉन मरीन एवोपोराइट मिनरल है। जैसा कि इस पिक में NaCl का एवोपोराइट ऑपरेशन दिख रहा, सलाइन वाटर को पहले क्लोज्ड बेसिन में कलेक्ट करते हैं और इसे एवोपोरेट होने के लिए सन के सामने छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद इसमें लिक्विड निकल जाता है और एवोपोराइट रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह हम वाटर से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।